या क्या कर रही हैं? जिंदा लोगों की इज्जत के साथ साथ हमें मरने वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बस दुनिया में नहीं है, सो प्लीज। तो दुनिया से जाकर कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने? सुबह से काम कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ, मैं कर लूंगी। आप सबका कितना एहसास करती हैं। आप पहले कहाँ रहती थी? अपनी अम्मी के पास। हाँ जी, सुना था उस्मान साहब की एक बीवी थी, अब कहाँ हैं आपकी अम्मी? उनकी डेथ हो गई है। वो तो जवान होंगी। बीवी जी आप कितनी सोनी हैं और उस्मान साहब भी अच्छे हैं, आपकी तो बात ही अलग है। मैं अपनी अम्मी पे गई हूँ। आपकी अम्मी भी खूबसूरत थी? मुझसे कहीं ज़्यादा। उनके बाल इतने खूबसूरत थे और उनके हाथ भी बहुत प्यारी थी वो। जी घर कहाँ था उनका? डिफेंस में। ओह, डिफेंस की तो बात ही अलग है। इतने प्यारे प्यारे बंगले, वहाँ मेरी बहू काम करती है। वैसे यहाँ के घर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तब भी उनका दिल नहीं लगा यहाँ पे? बहुत शौक था ना उसे ऐसे घरों का, ऊंची परवान उड़ना चाहती थी। क्यों, बताया नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें? प्लीज फुप्पो मत कहो मुझे। मेरे भाई ने अभी तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया। इसकी माँ, उसका तो दिल किसी पे। आप क्या कर रही हैं? जिंदा लोगों की इज्जत के साथ साथ हमें मरने वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बस दुनिया में नहीं है, सो प्लीज। तो दुनिया से जाकर कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने? इस बोझ को तो हमारे गले डाल गई हैं।